9 न्यूज और आपके साथ मैं हूँ फिजा काजमी और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन पर सरकार के प्रस्ताव के बाद मचे विवाद की। बुलेटिन में बात करेंगे राहुल गांधी के तमिलनाडु के दौरे की, वही बात करेंगे कि आखिर सिंधिया कैसे बने कमलनाथ और दिग्विजय के पड़ोसी, और वही बात 22 जनवरी को कांग्रेस की होने वाली अहम बैठक की, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कि कैसे लगी महाराष्ट्र के सीरम इंस्टीट्यूट में आग। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी और सभी मुख्यमंत्री वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बयान, सीरम इंस्टीट्यूट में आग के कारणों की होगी जांच, राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिया 1 करोड़ का चंदा, सपा सांसद आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमानत रद्द करने वाली याचिका हुई खारिज। 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की अहम बैठक, किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक अध्यक्ष की होगी चर्चा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कृषि कानूनों पर मोदी सरकार का सबसे बड़े दाव की। तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर केंद्र सरकार ने बुधवार को अब तक का सबसे बड़ा स्टैंड लिया है। इससे पहले हुई सभी बैठकों में 20 जनवरी को हुई 10वें दौर की मीटिंग अलग और अहम रही। लगभग 5.5 घंटे चली बैठक में केंद्र सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को होल्ड पर रखने का बड़ा प्रस्ताव देते हुए गेंद किसान नेताओं के पाले में डाल दी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कानूनों के विभिन्न पहलुओं पर विचार के लिए समय चाहिए, इसलिए सरकार इन कानूनों को 1.5 साल तक के लिए स्थगित करने को तैयार है। सरकार इसके लिए कोर्ट में शपथ पत्र देने को भी राजी हो गई है। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि तमाम संगठन गुरुवार को इसे लेकर बैठक करेंगे और फिर 22 जनवरी को होने वाली मीटिंग में अपना फैसला बताया जाएगा। इसी कड़ी में दिल्ली की तमाम सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 57वां दिन है। तमाम परेशानियों के बाद भी किसान आंदोलन खत्म करने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। किसान आज अपनी बैठक में सरकार द्वारा समिति बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आंदोलन का भविष्य क्या है। वहीं आज किसानों का एक दल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से भी मिलने पहुंचा, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। वहीं पंजाब सरकार ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाने का ऐलान किया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या किसान सरकार के प्रस्ताव पर राजी होते हैं या नहीं। वही बुलेटिन में आगे बात करते हैं राहुल गांधी के तमिलनाडु के दौरे की। तमिलनाडु की राजनीति में अपने हाथ मजबूत करने के लिए राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है। वो एक बार फिर दोबारा तमिलनाडु के राज्य के दौरे पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी इस बार 3 दिन के तमिलनाडु दौरे पर निकल रहे हैं, जहां वो 23 जनवरी की सुबह पहुंच जाएंगे। तमिलनाडु कांग्रेस द्वारा जारी किए गए राहुल गांधी के दौरे की योजना के अनुसार राहुल गांधी एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से 23 जनवरी को सुबह करीब 8:15 पर पहुंच जाएंगे, जहां वो सबसे पहले तमिलनाडु राज्य की एमएसएमई क्षेत्र में जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो तमिलनाडु के त्रिपुर जिले पहुंचेंगे, जहां राहुल गांधी औद्योगिक मजदूरों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 24 जनवरी के दिन राहुल गांधी इरोदा जिले पहुंचेंगे, जहां वो बुनकरों से उनकी परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस साल गर्मियों में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें अपनी अपनी संभावनाएं तलाशने के लिए राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता तमिलनाडु पहुंच रहे हैं। इससे पहले 14 जनवरी के दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चेन्नई पहुंचे थे, जिसके बाद अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए पोंगल त्योहार के अवसर पर राहुल गांधी भी तमिलनाडु पहुंच गए थे, जिसके बाद तमिलनाडु की राजनीति में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। साथ ही आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश में सियासी हलचल की। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी ने दिल्ली में भले ही पुराना बंगला ना दिया हो, लेकिन प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री का पड़ोसी जरूर बना दिया है। पार्टी से राज्यसभा सांसद बनने के 6 महीने बीतने के बाद अब जाकर शिवराज सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ठिकाना दिया है। सिंधिया अब 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पड़ोसी होंगे। भोपाल के B8 बंगला कॉलोनी में सिंधिया को जो B5 बंगला अलॉट किया गया है, वो उमा भारती के ठीक बगल में है। उमा भारती का निवास B6 में है, जबकि दिग्विजय सिंह भी उसी कतार में रहते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस श्यामला हिल्स के इलाके में घर मिला है, वो
तमाम राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और आज भी है। इसी श्यामला हिल्स इलाके में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आवास है और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का घर मुख्यमंत्री आवास के सबसे करीब है। सिंधिया को श्यामला हिल्स स्थित B5 बंगला अलॉट किया गया है। सिंधिया से पहले इस बंगले में पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल रहा करते थे, लेकिन अब देखना होगा कि इस बदलाव के बाद राज्य की राजनीति में क्या कुछ नया देखने को मिलता है। साथ ही बात करते हैं कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस की अटैकिंग मूड की। पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं 22 जनवरी को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसके बाद किसान आंदोलन से लेकर आंतरिक चुनाव पर चर्चा होगी। पार्टी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह होगी। इस समय कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव को लेकर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए लगातार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं। इसको लेकर चले इलेक्शन अथॉरिटी ने अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप दी है। अब गेंद कांग्रेस कार्य समिति के पाले में है। गौरतलब है कि ये पहली बार है जब अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए AICC मेंबर की लिस्ट बनी है और उनके लिए डिजिटल ID कार्ड बनवाए गए हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल सिर्फ 3 साल के लिए होगा और ये फुल टर्म अध्यक्ष का चुनाव नहीं है। इस बीच कयासबाजी का दौर भी जारी है। राहुल गांधी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ग्रुप 23 के नेताओं के मुताबिक राहुल गांधी अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही वो अपना नामांकन दाखिल करने के लिए तैयार है। ऐसे में चुनाव में देरी भी हो सकती है। ऐसे में हो सकता है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में देरी हो। दूसरी ओर कांग्रेस कार्य समिति इस पर भी माथापच्ची कर सकती है कि आंतरिक चुनाव ना होने की स्थिति में किसी और को अगले 3 साल के लिए नॉमिनेट किया जाए या नहीं। हालांकि ये रास्ता पार्टी के लिए जोखिम से भरा है, क्योंकि पहले ही कांग्रेस पार्टी की आंतरिक लोकतंत्र को लेकर मतभेद जारी है। वहीं बुलेटिन के आखिर में बात महाराष्ट्र के पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल 1 गेट में दोपहर भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आग बुझाने के लिए 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार आग सीरम इंस्टीट्यूट के टर्मिनल गेट नंबर 1 पर लगी है, चौथे और पांचवे तल तक फैल गई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और राहत और बचाव कार्य भी जारी है। इसके साथ ही NDRF की टीमें भी राहत और बचाव कार्य के लिए सीरम इंस्टीट्यूट रवाना हो गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। रिपोर्ट इस बात की जानकारी दी जा रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट में आग किसी अन्य कारण से भी लग सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।